आदित्य ने खुशी को पलट कर देखा। उसके पेट में गोली लगी हुई थी और आसपास खून ही खून था। राहुल, क्या हुआ इसे? आदित्य ने पूछा। सर, इनके लड़कों के पास बंदूकें भी हैं। खुशी को उन्होंने गोली मार दी। उसने खुशी को हिलाया, वो बेहोश थी। सांस देखी, चल रही थी पर बहुत धीमी थी। सर, इसकी हालत खराब लग रही है, सलीम ने कहा। आदित्य ने उसका मासूम चेहरा देखा। उसने दोबारा कमिश्नर को फोन लगाया। आदित्य, बस कुछ मिनटों में तुम्हारी लोकेशन पर बैकअप और एम्बुलेंस आ रही होगी। मैं भी जल्द पहुंच जाऊंगा, उन्होंने जवाब दिया। खुशी अब आदित्य की गोद में थी। राहुल, तुम इसका ख्याल रखो, उसने खुशी को नीचे लेटाते हुए कहा। और सलीम, तुम आओ मेरे साथ, कहते हुए आदित्य निकल ही रहा था कि वहां कई गाड़ियां भर के पुलिस आ पहुंची और एम्बुलेंस भी। उन्होंने उन बच्चों को छुड़वाया। कुछ लड़कों ने रोकने की कोशिश की। पुलिस फायरिंग में कई घायल हुए और आखिर में बच्चों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। खुशी की हालत बहुत नाजुक हो गई थी, काफी खून बह चुका था उसका। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। इधर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर चौबे चौकन्ना हो गया। उसने अपनी गन उठाई ही थी कि आदित्य ने उसे पीछे से लात मारी और वो मुंह के बल गिर गया। ठुकाई होने लगी उसकी। अंत में उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। सभी को गाड़ियों में डाल दिया गया। मनोज और राजीव को अस्पताल पहुंचाया गया। वेल डन माय बॉय, कमिश्नर भी वहां पहुंच चुके थे। आदित्य, तुम्हें कुछ चोटें आई हैं, तुम अस्पताल चलो, आगे ये लोग देख लेंगे। सलीम, तुम भी, कहते हुए कमिश्नर ने जगह सील करवाई। आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आखिर उसने अपनी अदिति को इंसाफ दिलवा दिया, उसके कातिलों को सजा दे दी। आदित्य और सलीम को मात्रे हॉस्पिटल ले आया। उन्होंने वहां जाकर देखा, खुशी की हालत बहुत क्रिटिकल थी। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। आज आदित्य ने दोबारा ऊपर वाले से कुछ मांगा था और वो थी खुशी की सलामती। उसने अपने सारे घाव पर ड्रेसिंग करवाई। अब उसे लगने लगा था कि उसका यहाँ का काम खत्म हो गया है। आज उसे यहाँ से जाना कुछ चुप सा रहा था। वो अब यहीं रहना चाहता था। उसकी अदिति की फेवरेट जगह थी ये। आंखों में नमी थी। वो गुमसुम सा बैठा था हॉस्पिटल की कुर्सी पर। मात्रे उसके पास ही खड़ा था। वहां सलीम आया अपनी ड्रेसिंग करवा कर। सर, आप ठीक हैं? सलीम बोला। हाँ सलीम, तुम ठीक हो? उसने भी पूछा। जी सर, सलीम ने कहा। अच्छा, कल के मेरे रिटर्न के टिकट करवा देना, अब यहाँ के सारे काम समाप्त हो गए हैं, आदित्य ने उसे कहा। सर, आप हमारे साथ रहना नहीं चाहते? वो इमोशनल होकर बोला। उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे गाड़ी के पास गया और मात्रे को बोला घर चलने को। रास्ते में आज फिर उसे मरीन ड्राइव दिखा। आज आदित्य ने जी भर के वो जगह आखिरी बार देखी। उसकी आंखों की नमी जाने का नाम नहीं ले रही थी। याद पूरी तरह से निकली ही नहीं उनकी जहन से। वो जरा सा जो याद आए, आंखें भीग जाती हैं। उसने अपने गॉगल पहने। रोज मात्रे उसके साथ रहकर ये तो समझ ही गया था कि सर यहां से गुजरते हुए उसे गाने चलाने को कहते हैं। उसने खुद ही एफएम ऑन कर दिया। आज जाने की जिद ना करो, गाना सुनकर आदित्य की उदासी और बढ़ गई। मात्रे ने उससे पूछा, सर कल आप वापस जा रहे हैं? हाँ मात्रे। सर, छोटा मुंह बड़ी बात पर आप यहां रुक जाइए ना, मात्रे ने कहा। मेरा काम समाप्त हो गया है यहाँ पर मात्रे, आदित्य ने उसे बाहर देखते हुए जवाब दिया। मात्रे कुछ नहीं बोला। आदित्य फ्लैट पहुंचा, कपड़े चेंज किए, अपना सामान देखा। उसने पैक करने की कोशिश की पर उसका मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर अदिति याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा हो पीछे। उसने अपने फोन को खोलकर उसकी पिक्स देखी और उसे चूमा और अपने फोन से लिपट के रोने लगा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा था। उसे घर से रीना जी का फोन आया। हेलो मामा, उसने कहा। हाँ बच्चा, कैसा है तू? रीना जी बोली। कल आ रहा हूं वापस, यहाँ के सारे काम निपट गए हैं, वो रुआसा होकर बोला।
अरे वाह, आजा बेटा जल्दी से, वो खुशी से बोली। आदित्य की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा? अपने बच्चों के दिल का हाल एक मां समझ ही जाती है। कुछ नहीं, वो बोला। आदित्य बताओ बेटा क्या हुआ है? वो घबरा कर बोली। दिल बहुत भारी लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो बोला। कुछ हुआ है क्या बताओ? रीना जी ने पूछा। नहीं मम्मा, बस ऐसे अच्छा नहीं लगने की कोई वजह नहीं होती ना, उसने कहा। मैं हमेशा तेरे सपोर्ट में हूँ बेटा, अगर कुछ हुआ भी है तो परेशान ना हो। आईएएस ऑफिसर की बीवी, आईएएस ऑफिसर की माँ, उसे पता था लाइफ में बहुत से केस करीबी होते हैं, तोड़ देते हैं इंसान को अंदर से। उसे ऐसा ही लगा कुछ हुआ होगा आदित्य के साथ भी। उसने हम किया और बोला, अच्छा दोबारा फोन करता हूँ, अब पैकिंग कर लेता हूँ। फोन कट करके वो वहीं बेड पर लेट गया। सारे दिन की थकान और भारी मन की वजह से उसे हल्की सी झपकी लग गई। उसने देखा वो टैरो कार्ड रीडर उसे बुला रही थी। वो घबरा कर उठा। उसने अपने पहने हुए कपड़ों को टटोला। उसके ट्राउजर से उसने टैरो कार्ड रीडर का एड्रेस निकाला, तैयार हुआ और महात्री को फोन करके गाड़ी मंगवाई। कुछ देर में महात्री आ गया। उसने उसे टैरो कार्ड रीडर का एड्रेस दिया। महात्री उसे उस टैरो कार्ड रीडर के घर ले गया। उसका घर बहुत आलीशान था, अजीब सी शांति थी वहां। आदित्य गाड़ी से उतरा, उसने बाहर की गेट खोले और गार्डन में एंट्री हुई। वहां झूला लगा हुआ था, बहुत हरियाली, एकदम शांत वातावरण था वहां का। अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत सी विंड चाइम लगाई हुई थी उसने एंट्रेंस पर। आदित्य ने बेल बजाई, उस टैरो कार्ड रीडर ने गेट ओपन किया। आइए सर, यकीन था आप आएंगे जरूर, वो गेट पर ही मुस्कुराती हुई बोली। आप मुझे कुछ बताना चाहती थी, उसने पूछा। जी सर, आइए। वो उसे एक रूम में ले गई। वहां एक टेबल लगी थी, बहुत से कार्ड्स पड़े थे। साइड में एक बोर्ड था, उस पर कुछ गोल कांच की बोल्स थी, एक ट्रायंगल छोटा बोर्ड। कमरा अगरबत्तियों की खुशबू से महक रहा था, एकदम हवादार खुला खुलासा कमरा, कहीं ग्रीनरी कहीं तस्वीरें, विंड चाइम, सब कुछ देख के आदित्य सोचने लगा। उसने उसे टेबल के सामने बैठने को कहा। उसने आदित्य की साइड में एक कुर्सी और लगाई। वो खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आप मुझे क्या दिखाना चाहती थी, आदित्य ने दोबारा पूछा। मैंने आपको टीवी पर देखा, पहले तो पहचान नहीं पाई, आपको कहां देखा है। फिर याद आया कि कुछ दिनों पहले जब मैं साधना कर रही थी रूहों से संपर्क बनाने के लिए, तब एक रूह मेरे पास आई थी। उसने अपनी शक्तियों से मुझे आपका नाम बताया और चेहरा इमेजिन करवाया। तब से मैं आपको ढूंढ रही थी। कुछ भी कह रहे हैं आप, ऐसा क्या सच में होता है, आदित्य बोला। आप उस रूह का नाम नहीं जानना चाहेंगे, टैरो कार्ड रीडर आभाजी बोली। आदित्य उसे देखने लगा। मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं है, वो बोला। अदिति नाम बताया था उसने, आभाजी बोली। क्या, पर ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे आप पर भरोसा नहीं हो रहा, वो बोला। सर, उसने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पर हाथ लगाइए। आदित्य ने वैसा ही किया। आभाजी ने अपनी आंखें बंद की और वो कुछ मन ही मन में बोलने लगी। आदित्य को ये सब अजीब लग रहा था, पर अदिति का नाम सुनकर उसने वहां रुकने का फैसला किया और उसकी कही बातों को मानने लगा। कुछ मिनटों के बाद कमरे में थोड़ी हलचल हुई, हवा चलने लगी, विंड चाइम बजने लगी, खुशबू बढ़ने लगी, एकदम खुशनुमा माहौल हो गया। आभाजी ने अपनी आंखें खोली और आदित्य के साइड में देखा। ठीक उसी जगह पर आदित्य ने भी देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आभाजी ने कुछ निकाला एक पोटली से और आदित्य के साइड में फूंक मारा। आभाजी ने उसे साइड में देखने का इशारा किया। आदित्य ने ठीक वैसा ही किया। आदित्य ने देखा कोई लड़की खड़ी है, उसके घुंघराले बाल उसकी कमर को छू रहे हैं, वैसे ही जैसे सपनों में रोज देखता था। वो पलटी, एक सफेद रोशनी में नहाई हुई,
वो अदिति थी। संगमरमर सी शख्सियत, पिंक कलर का कुर्ता, ब्लैक जीन्स, कानों में झुमके, वैसे ही जैसे सिया ने बताया था, जो पहनकर वो उससे मिलने निकली थी। वो धीरे से आई। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे कोई सपना चल रहा है। वो हौले से उसके पास आई और उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आदि, शोना? अचानक से आदित्य के मुंह से निकल गया। कैसे हो आदि? वो बोली, तुम खुद देख लो। कहते हुए आदित्य की आंखें भीग आई। माफ कर पाओगे मुझे? अदिति बोली। गलती क्या है तुम्हारी जो माफी मांग रही हो? आदित्य बोला। मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई ना आदि, अदिति बोली। हाँ, उसके लिए तो माफ नहीं करूंगा, जाओ, बात नहीं करनी मुझे तुमसे, वो रूठते हुए बोला। आदि सुन, अदिति बोली। आदित्य की पलकों की कोरे भीगने लगे थे। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? एक बार भी नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में? आदित्य बोला। बहुत सोचा, तभी तो दोबारा तुमसे मिलने आई ना, और आबा जी को तुम्हारे पास भेजा। वो टैरो कार्ड रीडर की तरफ इशारा किए बोली, जिसकी आंखों में नमी थी। वापस आ जा अदिति, तू जैसे कही कि मैं तुझे वैसे रखूंगा, आदित्य भरे हुए गले से बोला। तुम बताओ, क्या ये मेरे हाथ में है? शायद इतनी ही उम्र लेकर आई थी मैं, और मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल तो तुम्हारे साथ थे आदि, और छोड़कर मैं तुम्हें कहीं नहीं गई, तब से तुम्हारे साथ थी। बस तुम देख नहीं पा रहे थे, मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है, सांस लेते समय आदि आदि कहता था। आदि, तुमने ये पता नहीं किया कि मेरा दिल किसके पास है अब? अदिति नम आंखों से बोली, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था आदि, और जब तुम उसे छोड़ के जाने की बात कर रहे थे तो रहा नहीं जा रहा था। वो अब भी लबडम नहीं आदि आदि कहता है। क्या मतलब? आदित्य ने पूछा। मतलब ये, अदिति आगे कह रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। उसने देखा सिया का फोन था। उसने कहा, मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम बताओ क्या कह रही थी। नहीं आदि, एक बार फोन तो उठा। ठीक है, कहते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, वो बोला। हेलो आदित्य, तुमने कहा था ना पता करने को अदिति का हार्ट किसे डोनेट हुआ है, तुम्हें मिलना था ना? सिया बोली। हाँ, कहते हुए उसने अदिति को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। वो तुम्हारे डिपार्टमेंट की ही कोई अफसर है, मिस खुशी, उनको डोनेट हुआ है, वो बोली। क्या, खुशी को? आदित्य चौंक गया। हाँ, वो बोली। थैंक यू सिया, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहते हुए उसने फोन काट दिया। देखा, मैंने कहा था ना फोन उठा लो, अदिति तिराते हुए कह रही थी। सब पता होता है ना तुम्हें, बस मुझे परेशान करने में मजा आता है, आदित्य उसे देखे जा रहा था। खुशी के पास तुम्हारा हार्ट है, न जाने क्यों से देख के उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो बोला। बस करो, अब ज्यादा सुना नहीं जाएगा, आखिर है तो सौतन ही, दिल मेरा है तो क्या हुआ, कहते हुए अदिति जोर से हंसने लगी। कुछ भी मत बोलो प्लीज, आदित्य ने उसे देखते हुए कहा। आंखों की नमी गालों पर आने लगी थी उसके। अच्छी लड़की है आदि, तुम्हें प्यार करती है, एक बार हम अलग हो गए, अब दोबारा मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। दिल में हो तुम आदि, किसी और के साथ रह नहीं पाएगा, उसी के बहाने में हमेशा तुम्हारे साथ तो रहूंगी, अदिति मुस्कुरा रही थी। इश्क में मिल जाना ही मुकद्दर नहीं होता, सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है। बातें अभी भी वैसी हैं तुम्हारी, बिना सर पैर की, हाँ? कहते हुए वो अपने गालों से आंसू हटाने लगा। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और बोली, आदित्य बहुत समय हो गया भटकते भटकते, अब चैन से जाना चाहते हूँ, आज मेरी आखिरी विश पूरी हो गई। फालतू की बात मत करो, कहीं नहीं जा रही तुम, मेरे साथ रहोगी, चलो
कहते हुए वो खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती आदि, पर अब एक सुकून जरूर लेकर जाऊंगी, अदिति बोली। तुमसे मिलना ख्वाब लग रहा था, आज मिले भी तो एक ख्वाब की तरह, वो बोली। तुम कुछ नहीं कहोगे, अदिति बोली। हमेशा से तुम्हारी आदत है अपनी चलाने की, अपनी मनमानी की, मेरी सुनती कहाँ हो तुम? आदित्य का रोना तेज होता जा रहा था। भटकते हुए 2 साल हो गए आदि, अब मुझे भी शांति चाहिए। तुम बताओ क्या चाहते हो तुम? ऐसे ही भटकती रहूं या अब चली जाऊं अपनी नियति के साथ? वो मुस्कुराई। उसने अदिति को हक किया। बुरी तरह से टूटता जा रहा था वो। बहुत थक गई हूं आदि, ऐसे घूमते घूमते सुकून चाहिए, अब वक्त हो गया। बस एक प्रॉमिस करो, मेरे आदि का हमेशा ख्याल रखोगे। वो ऐसे ही हक किया हुआ गर्दन हिला के हाँ बोला। मैं चाहूं आदि, खुशी का ख्याल रखना, वो तेरे बिना जी नहीं पाएगी, वो बोली। वो उससे अलग होते हुए बोला, दोबारा कभी देखोगी? हमेशा इस चांद की रोशनी में, हवाओं की सरसराहट में, घुलती फिजा में, चलती हवा में, डूबते सूरज की रोशनी में, हर पल तेरे साथ एक एहसास बनकर जिंदा रहूंगी ना। अदिति जाने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो दोबारा पलटी, मैं जाऊं? उसने हां में सिर हिलाते हुए कहा। काश, काश मत सो जाते, इस काश में न जाने कितनी जिंदगियां उलझ के रह गईं। रुकने का नाम जिंदगी नहीं होता। आदित्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। तेरा आना एक हसीन ख्वाब सा था, तेरा जाना एक भयावह ख्वाब बनकर रह गया। अदिति थोड़ा दूर जाकर आबा जी की तरफ देखकर बोली, शुक्रिया। उनकी आंखों में नमी थी, उन्होंने बस मुस्कुरा के हां में सिर हिला दिया। आदित्य का रोना रुक ही नहीं रहा था। अदिति ने अपने हाथों से हार्ट का निशान बनाया और आदित्य को दिखाया। उस पर एक सफेद रोशनी पड़ी और वो देखते देखते ओझल हो गई। आदित्य वहीं बैठ गया, बहते आंसुओं से उसका चेहरा धुल चुका था। सब कुछ लुटने के बाद क्या हालत होती है, बस वैसा ही। कुछ देर बैठने के बाद आभा जी ने उसे उठाया। कुछ देर में उसे सलीम का फोन आया। सर, खुशी को होश आ गया है, वो बार बार आपके बारे में पूछ रही थी। उसे जब पता चला कि आप जा रहे हैं तो उसकी हालत खराब होती जा रही है, आप हो सके तो एक बार हॉस्पिटल आ जाइए, आदित्य ने आभा जी को कहा। थैंक यू, और गाड़ी में बैठ गया। आज जो भी हुआ उसके साथ किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। जिन चीजों पर यकीन नहीं था उन पर होने लगा। वो हॉस्पिटल पहुंचा, देखा खुशी का ऑपरेशन तो हो चुका था पर हार्ट कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे। वो उसके रूम में गया। वो आंखें बंद करके लेटी थी। उसके आते ही ऑक्सीजन मास्क हटा के बोली, आदि, ओ सॉरी आदित्य, मैंने सुना आप कल जा रहे हैं। आदित्य ने उसका मासूम सा चेहरा देखा। उसने उसे उठा के बाहों में ले लिया। आज से मैं तुम्हारा आदि ही हूँ खुशी, तुम मुझे आदि बुला सकते हो। खुशी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सच आदि, देखा मुझे पता था तुम भी मुझे प्यार करते हो, बस नाटक कर रहे थे। सलीम खड़ा उन्हें देख रहा था, आंखों के भीगी पलकों को सबसे छुपाकर। हाँ खुशी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत करूंगा, जैसे तुम कहोगी वैसे रखूंगा, सारे नखरे उठाऊंगा, वो उसे हक किए हुए बोला। खुशी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आदित्य सारा काम छोड़ के खुशी की सेवा में लग गया। कुछ दिनों में वो ठीक होने लगी। आदित्य ने उसे अदिति के बारे में सब कुछ बताया। वो उससे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता था। खुशी ने बताया उसे भी हार्ट सर्जरी के बारे में कुछ एहसास होता था, किसी साए का, तभी डर के मारे वो लॉकेट पहने रखती थी, पर वो कुछ समझ नहीं पाई। आदित्य और खुशी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। खुशी ने फैसला किया आदित्य से शादी का। आदित्य भी अब खुशी से शादी करना चाहता था। आदित्य ने मुंबई से दिल्ली वापस जाना कैंसिल कर दिया, अपनी खुशी के साथ रहने के लिए। सिन्हा जी भी रीना जी के साथ उसके पास मुंबई ही शिफ्ट हो गए।
दोनों परिवारों की आपसी सहमति से आदि और खुशी की शादी हो गई। मात्रे अब मिस्टर आदित्य के साथ मिसेस आदित्य को भी ऑफिस लाने ले जाने लगा। घर की जिम्मेदारी रीना जी ने ले ली। कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वेंट का ऑर्डर देना एक जगह बैठ के कि आज खाने में क्या बनेगा और पूछा कहाँ अच्छा नहीं लगा है, ऐसे छोटे मोटे घर के कामों की सारी जिम्मेदारी रीना जी की थी। एक साल बाद खुशी की मम्मा नीलिमा जी हॉस्पिटल में बड़ी परेशान सी बैठी थी। रीना जी उन्हें बार बार समझा रही थी, आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। सिन्हा जी और खुशी के पापा मोहन जी भी वहां मौजूद थे, सबकी सब प्रे करने में लगे थे। अचानक वहां आदित्य पहुंचता है। मम्मा कहाँ है खुशी, कैसे है वो? बेटा डॉक्टर अंदर ले गए हैं, रीना जी बोली। मात्र उसके साथ ही था। सर सब ठीक है ना, उसने पूछा। आदित्य थोड़ा घबराया हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर में डॉक्टर बाहर निकली और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लक्ष्मी जी आई हैं आपके घर। सब एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। आदित्य खुशी के कमरे में एंटर हुआ, वो बेड पर थी और उनकी नन्ही परी पास ही झूले में झूल रही थी। आदित्य ने उसे अपने हाथों में उठाया और उसे खुशी के पास ले आया। बिल्कुल तेरी तरह है ना आदि, वो उसे चिढ़ाते हुए बोली। नहीं, किसने कहा, देखो नाक तो बिल्कुल मेरी है और आंखें, ओ माय गॉड, डिट्टो मी, तुम कहां से आ गई बीच में, उसने खुशी को छेड़ते हुए कहा। हद यार, कह के उसने आदि को एक लगाई। आदि ने प्यार से आकर खुशी को हक किया। नाम क्या रखेंगी अपनी एंजल का, कुछ सोचा, वो अपनी नन्ही परी को देखते हुए बोला। हाँ सोच लिया आदि, हम इसका नाम रखेंगे अदिति, खुशी ने कहा और वो मुस्कुराई। आदित्य भी मुस्कुराने लगा। रीना जी और नीलिमा जी अंदर आई। पहले खुशी को बहुत सारा लाड़ किया, फिर आदित्य से उसकी परी को अपने हाथों में ले लिया। सीना जी और दिवाकर जी भी अंदर आए और चारों में दादा नाना परिवार वाली मीठी नोकझोंक चालू हो गई। खुशी और आदि एक दूसरे की बाहों में थे। आदि ने खुशी के सर को चूमा और पूछा, हैप्पी? बहुत, खुशी ने जवाब दिया। दोनों बहुत खुश थे और उन्हें जोड़ने वाली कड़ी अदिति अब उनके साथ थी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।